तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज पे। और आज की वीडियो में हम काफ़ी बढ़िया न्यूज़ लेके आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ रहने वाली, गुड न्यूज़ रहने वाली। आज हम बात करने वाले हैं डलवास में जो ब्रिज बन रहा है उसकी। तो वीडियो शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और Facebook अभी तक फॉलो नहीं करा, फॉलो कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं डलवास ब्रिज का काम कितना ज़्यादा बढ़िया काम हो चुका है, और ये लेटेस्ट वीडियो है डलवास ब्रिज की। ये देख सकते हैं फाउंडेशन पिलर्स रख दिए गए हैं, और ऊपर से इनके गर्डर्स वगैरह भी ढाल दिए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। बाकी इसका काम अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा अच्छा हो गया, फास्ट हो गया, और मैं आपको थोड़ी सी जो हफ्ते पहली वीडियो है वो भी दिखाऊंगा, महीने पहले जब इसका काम हो रहा था वो भी दिखाऊंगा, सब कुछ इसी वीडियो में दिखाएंगे कितना बढ़िया कितना अच्छे से काम हो रहा है। ये देख सकते हैं आप फाउंडेशन पिलर्स और उसके ऊपर गार्डर्स भी रखे जा रहे हैं, और ये देख सकते हैं लोकेशन। और अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं, अभी भी यहाँ पे जाम वगैरह लगता है ऊपर वाली साइड में, जब दो बड़ी गाड़ियाँ होती तो फंस भी जाती हैं कभी कभी, क्योंकि ऊपर से मलबा चलता रहता है। बाकी ये देख सकते हैं इस काम आपकी स्क्रीन पर है, और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी समय से मेरी नज़र थी इसी काम, जो ढलवास वाले ब्रिज का काम हो रहा है, और देख सकते हैं काम सच में बढ़िया काम हो रहा है। अभी स्पीड जो पकड़ी है इन्हें थोड़ी सी अच्छी पकड़ी है, अभी जो आगे बारिशें वगैरह सर्दी आने वाली है तो उम्मीद करते हैं उससे पहले काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर देंगे। और जिस हिसाब से काम हो रहा है लगता है 6 महीने तक, 6 मंथ्स के अंदर ये कम्प्लीट भी हो जाएगा। ये देख सकते हैं ज़ोरों से काम लगा ढलवास ब्रिज को, और इसी वीडियो में लगभग जो हफ्ते पहले काम लगा हुआ था और जो एक डेढ़ महीने पहले काम हुआ था वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। बट ये वाला जो भी देख रहे हैं आप, क्लिप देख रहे हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली देख रहे हैं। ये देख सकते हैं ये रहने वाला आपका अपना ढलवास ब्रिज, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक जाम वगैरह लगता था तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, बट अब वो दिखते वो सब कुछ महीनों के बाद ख़त्म हो जाएगा। देख के तो ऐसा लगता है कि 6 मंथ्स लग जाएंगे, 6 मंथ्स के अंदर हो जाएगा, ये देख सकते हैं। और वहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ख़त्म होगा, तो दोनों एंड्स मैंने आपको दिखा दिए। ये वीडियो अभी लेटेस्ट वाली है, अभी हम साथ में जो मैं साथ में कवर भी करते रहता था, हफ्ते पहले भी आया था, महीने पहले भी आया था, वो सब भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट विजुअल्स ढलवास ब्रिज के, और काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, काफ़ी बढ़िया काम हो रहा है। और साथ में अभी यहाँ से ना नीचे वाला रोड तब तैयार किया गया था, और ये देख सकते हैं। और एक और खुशखबरी ये है कि जो पीड़ा वाला टनल रहने वाला है, चंद्रकूट पीड़ा वाला, उसके अंदर लाइटिंग भी अच्छी हो गई है। खाली एक दिक्कत रहती है, कभी कभी ये वाली ट्यूब दोनों ट्यूब्स ओपन कर देते हैं, कभी कभी सिंगल ट्यूब ओपन करते हैं दूसरी वाली में काम हो रहा होता है, बाकी लाइटिंग अच्छी हो गई है। तो ध्यान रखें जब दोनों ट्यूब्स ओपन होंगी तब आप ओवरटेक वगैरह करें, ऐसे ना करें। तो ये देख सकते हैं अभी मैं लेटेस्ट वाली दिखाई, तो कुछ दिन पहले भी आप देख सकते हो जो ब्रिज का काम हो रहा था वो कैसा हो रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी ऊपर से जो मलबा वगैरह चलता रहता है लैंडस्लाइड का, यहीं पे साइड पे डाल दिया जाता है, नीचे डाल दिया जाता है बाद में। साथ में आप ब्रिज का काम भी देख सकते हैं इसी वीडियो में, डलवास ब्रिज ये देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, और साथ में अभी तक बनिहाल का जो फ्लाईओवर बन रहा था, बनिहाल ब्रिज बन रहा था, अभी वो पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं है। बट ये अभी जो ढलवास वाला ब्रिज है इसकी काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है, काफ़ी स्पीड पकड़ दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे सब कुछ, गर्टर्स वगैरह भी बिछा दिए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया कितने अच्छे से काम हो रहा है, और उम्मीद करेंगे और जल्दी से जल्दी काम हो। साथ में आपको मैं जैसे हफ्ते पहले की भी अभी क्लिप दिखा देता हूँ, ये भी देख सकते हैं ये रहने वाली है ढलवास ब्रिज की, ये देख सकते हैं। और अभी जब कुछ समय पहले ऊपर वाले रोड की ब्लैक टॉपिंग भी हुई थी, और ये जो ऊपर वाला रोड है ना, आगे आगे जाकर ऊपर वाला रोड बंद कर दिया गया, उसकी रिपेयरिंग का काम हो रहा है, ऊपर से फिर से रोड तैयार किया जाएगा, और नीचे वाली लेन खोली गई है, यहाँ से ढलवास से आगे नाशरी तक आपको देखने को मिलेगी। तो अब भी नीचे वाली तैयार है बिल्कुल, अब ऊपर वाली का काम हो रहा है, जब ऊपर वाली भी तैयार हो जाएगी तो पूरी 4 लेन ओपन कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए अभी नीचे वाली साइड ही तैयार है, और साथ में आप ब्रिज के देख सकते हैं फाउंडेशन पिलर्स भी आपको साथ साथ में देखने को मिल जाएंगे, किस कुछ कुछ फाउंडेशन पिलर्स के ऊपर गार्डर्स भी रख दिए गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी सारे फाउंडेशन पिलर्स पर गार्डर्स रख दिए जाए, फिर ऊपर से जल्दी स्लैब वगैरह कंक्रीट वगैरह डाल दिया जाए, और जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तैयार करें, ये देख सकते हैं आप। और आगे जाके उस वाले रोड से मिल जाएगा, ये देख सकते हैं, ये आपके सामने आ जाता है ढलवास ब्रिज का दूसरा वाला पॉइंट, दूसरा वाला एंड। साथ में मशीनरी वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएगी,
बाकी जैसे मैं बता रहा था, कभी कभी ये पीड़ा चंद्र को टनल की दोनों ट्यूब्स ओपन करते हैं, कभी कभी एक को बंद कर देते हैं, बट लाइटिंग का काम दोनों में हो चुका है, ये देख सकते हैं। अभी देख सकते हैं अभी कभी अभी ना 4 लेन मतलब कि दोनों ट्यूब्स ओपन है, बट किसी दिन वो वाली ट्यूब बंद कर देते हैं, ये वाली बंद कर देते हैं क्योंकि अंदर कुछ काम हो रहा है। तो आप जब भी ध्यान रखें, और अगर जब दोनों ट्यूब ओपन होंगी तब भी इसके अंदर से ओवरटेक करें, ऐसे कि 4 लेन टनल रहने वाला है क्योंकि ट्विन ट्यूब टनल है। बाकी अब महीने पहले की मैं दिखा दूँ, ये डलवास ब्रिज का काम जो था, तो महीने एक महीने पहले से अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शुरू में दिखाया उस वाली क्लिप से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गार्डर्स वगैरह लिफ्ट करके रख दिए गए, जो शायद से आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, बट काफ़ी बढ़िया काम हो रहा है। अभी लेटेस्ट लास्ट कुछ मंथ से इसका काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी जितने भी हाईवे लवर्स हैं, वो जब ये तैयार हो जाएगा, और जब तक ये तैयार होगा ना, साथ में जो आगे रोड तैयार कर रहे हैं ऊपर वाली लेन, वो भी तैयार हो जाएगी डलवास से नाचरी वाली, क्योंकि पहले नीचे वाली लेन तैयार करेगी, फिर अब नीचे वाली ओपन कर दी, ऊपर वाली बंद कर दी है, बट जब तक ये डलवास ब्रिज तैयार होगा उससे पहले ही या उसके साथ साथ में वाली लेन भी तैयार हो जाएगी, तो राममन से उधमपुर तक जम्मू तक 4 लेन तैयार हो जाएगा। और इसी ईयर के एंडिंग में एक और जो खुशखबरी इसी साल के एंडिंग में, जो कि नाचरी चनैनी नाचरी वाला टनल है, सिंगल ट्यूब टनल है, जिसमें आप देख सकते हैं अभी उसको भी 4 लेन करा जाना है, तो काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी, क्योंकि कभी काफ़ी ज़्यादा स्लो मूवमेंट हो जाती है उसमें, आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, बट इस साल की एंडिंग से पहले उसका काम भी शुरू हो जाएगा। हाँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा साल लग जाएंगे, हो सकता है 4 से 5 साल लग जाएँ, बट अच्छी बात यही है कि वो भी आने वाले टाइम में 4 लेन टनल हो जाएगा, तो आप उसमें ओवरटेक कर सकते हैं। और ये वाला जो देख रहे हैं आप पीड़ा चंद्रकोट वाला टनल है, ये देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, कभी कभी इसकी एक ट्यूब बंद कर देते हैं, एक ही खुली रखते हैं। अभी देख सकते हैं अभी सामने से गाड़ी आ रही है, तो यहाँ से बंदा को इसको ट्विन ट्यूब समझ के 4 लेन समझ के ओवरटेक करता है, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा, जब आपको लगेगा कि दोनों ट्यूब्स ओपन है तब आप ओवरटेक वगैरह करें, वरना यहाँ पर कभी कभी एक ट्यूब बंद कर देते हैं और एक ही ट्यूब में से आने वाली जाने वाली गाड़ियों को छोड़ा जाता है। और अच्छी बात यह है कि इस टनल में भी लाइटिंग का अच्छा काम हो चुका है, ये देख सकते हैं ये वाली ट्यूब बंद कर दी गई, तो ये चलता रहता है। उम्मीद है कुछ टाइम के बाद दोनों ट्यूब्स ओपन कर दी जाएंगे, आज भी बीच बीच में दोनों ट्यूब्स ही ओपन होती है, बट किसी कारणवश से एक कभी कभी एक ट्यूब बंद कर लेते हैं, रिपेयरिंग या साफ़ सफाई का काम है, लाइटिंग के काम की वजह से। अभी फ़िलहाल तो लाइटिंग काम हो गया, बट फिर भी जब कोई दिक्कत आ जाती है तो उस वजह से बंद कर देते हैं। बाकी यहाँ से देख सकते हैं, जैसे अब टनल से बाहर निकलते हैं, 4 लेन पूरा आपको देखने को मिलेगा चंद्रकोट वाले एरिया में, करोल वाले एरिया में, ये देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये वही है पीड़ा चंद्रकोट वाला टनल, और ये ढलवास वाला मैं एरिया दिखा देता हूँ। जैसा मैं आपको अभी तक दिखा रहा था इस वीडियो में, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगता है आपको भी खुशी हुई होगी, क्योंकि इसका काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हो रहा है, काफ़ी जल्दी गुड न्यूज़ मिल जाएगी। 6 महीने मेरे को लगता है 6 मंथ्स लगेंगे, 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये रेडी हो जाएगा, उसके बाद पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, तो उसके ब्रिज के ऊपर से गाड़ियां सब जा सकती है। अभी इस जो ढलवास वाला रोड है ना, इसमें काफ़ी ट्रैफिक जैम लगता है, अगर कोई गाड़ी वगैरह ख़राब हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है और ओवरटेक वगैरह करते हैं, या तो बारिश वगैरह पड़ती है तो ऊपर से ज़मीन है जो दस्ता है, ज़मीन दस्ती है, तो ऊपर से रोड में पूरा मलबा जमा हो जाता है, उस वजह से रोड बंद भी हो जाता है, कभी कभी रोड सिंगल हो जाता है, ट्रैफिक जैम भी लग जाता है। बट जैसे ये ब्रिज देख रहे हैं आप, ये तैयार हो जाएगा, तो ये सब दिक्कतें हमको देखने को नहीं मिलेगी। और मैंने आपको ब्रिज की लेटेस्ट क्लिप भी दिखाई स्टार्टिंग में, उसके बाद जो 1 वीक पहले वाली भी दिखाई और 1 मंथ पहले वाली भी दिखाई, तो काम बढ़िया और अच्छे से हो रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें।